मेरा नाम है अजय कुमार, MC वार्ड नंबर 14। ठीक है, साड़ी जी बहुत पोलिंग बूथ हुई है, वोट पई है, ये रामगढ़ स्कूल रैकर रोड पर हुई है और इतने बहुत शांतपूर्व तरीके वोटा पईया ने, लोगों ने भी पूरा सहयोग करया और मैं कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा और मैनू पूरी उम्मीद है सानू इतने 75% वोट मिली है कांग्रेस पार्टी। मैं मुहम्मद असलम वार्ड नंबर 27 के दस रहा कि साढ़े इस एरिए 3 वार्डा की पोलिंग हुई, बहुत पुरअमन और प्यार मुहब्बत पोलिंग हुई है और ये जो शहर है और बस्ती है एक तरह सारे धर्मों का गुलदस्ता है, इतने सारे धर्म रहते हैं, सब ने प्यार नाल मुहब्बत नाल मिलकर वोटिंग की है और इंशाल्लाह इस तिने वार्डा मैडम रजिया सुल्ताना बहुत अच्छे मार्जन जीतने। मेरा नाम है मोहम्मद यासिन, XMC वार्ड नंबर 27। पोलिंग देखो जी पूरा मन हुई है, बिल्कुल निरपक्ष हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा कोई बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं, समय शांतिपूर्ण हुई है बिल्कुल। असी आप दे संबंध आम आदमी पार्टी पोलिंग लगा साढ़े हिसाब में सूँ ये लगता भी 60% वोट साढ़े बूथों के बच्चों कले जमीलू रहमान। सर सलाम वालेकुम, मैं वार्ड नंबर 31 तो मुहम्मद तसलीम साहब का MC मल्लू, जो कि इस बार अज इलेक्शन वोटिंग हो रही है कि बड़े प्यार और मुहब्बत के नाल हो रही है और आने वाला जिहड़ा समा इंशाल्लाह झाड़ू दा होगा भी वोटिंग बड़े प्यार नाल साडा सहरा एक गुलदस्ता, उस गुलदस्ते नूं देखदे होए साडी किसी नाल कोई रंजिश नहीं हैगी भी असीं जमीलू रहमान की फुल वाटा फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जिहड़ी अज पोलिंग वोट हुई आ उहदा वध कारण इह आ कि लोग बदलो भालदे ने, उह बदलो इंशाल्लाह आ गया, पूरे पंजाब दे विच लहरा बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आने वाला समा जिहड़ा 10 मार्च नूं रिजल्ट आणगे इंशाल्लाह जमीलू रहमान दे हक दे विच आणगे, उह लीड इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा होगी और भगवंत मान पंजाब दे CM उम्मीदवार होणगे। तुहाडा नाम की है, किस वार्ड तों बोल रहे? मेरा नाम मुहम्मद अशरफ, वार्ड नंबर 29, वार्ड 29 तों। पोलिंग बहुत वधिया तरीके नाल हुई है, अमन अमान नाल हुई है तो कांग्रेस पार्टी नूं बहुत बड़ा बड़ा हुंगारा मिल रहा है, बड़ा वधिया उत्साह है, वधिया पै रही है, वोटिंग हुई है। नहीं 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 कुछ नहीं होया, बहुत वधिया बहुत वधिया अमन अमान दे नाल होया। मेरा नाम है जी शमा फरूकी, MLA दे अकॉर्डिंग वार्ड नंबर 18, MC दे अकॉर्डिंग वार्ड नंबर 1। ਸਾਡੇ ਜੋ ਅੱਜ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ MLA ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ। सर मेरा नाम मुहम्मद अशफाक आ, मैं वार्ड इंचार्ज 1 नंबर का, ये वार्ड नंबर असेंबली का 18 नंबर वार्ड आ, मेरे वार्ड तकरीबन 3700 वोट आ, बहुत वधिया पोलिंग हो रही है शांतमई ढंग नाल। नहीं सर इस वार्ड कोई किसी ने रंजिश नहीं, ऐन लोग शांतमई ढंग ने वोटा पाइया ने, वोट अपराधिकार आ, सैकुलर सोच रख के लोगों की वोटा पाइया ने, तो असी पिछले लंबे समय तो अपने वार्ड की सेवा करते आ रहे हैं, लोगों का सानू बहुत बड़ा सहयोग आ और उम्मीद करते असी वधिया टॉप की इत्थों लीड लग जावांगे। मैं मुंशी मुहम्मद अशरफ, सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी मालेरकोटला, अज इत्थे वार्ड नंबर 19 शहर मालेरकोटला दे विच बड़ा पुरअमन तरीके नाल वोटिंग हो रही आ, सारे ही वोटर बहुत ही भाईचारे नाल बड़े पीसफुल तरीके नाल अपना अपना वोट कर रहे हैं, किसी पार्टी ने किसी बंदे ने किसी व्यक्ति ने एक दूजे को बरगलाने की कोशिश नहीं की, खिलाफ़ कोई बोलने की कोशिश नहीं की,
सारे उम्मीदवार भी आए ने अपने अपने पोलिंग बूथों चैक करके चले गए हैं। इस प्रकार सारी वोटर साहबान बड़ी रिस्पैक्ट के नाल आ रहे हैं, जा रहे हैं, वोटिंग हो रही है और इसका जोड़ा सेहरा है मलेरकोटले की आवाम तो बहुत पीसफुल तरीके सारी वोटिंग हुई है। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, साडा जी ये 23 नंबर वार्ड है जी, शुरू तो ही असी जिन्ना भी 23 नंबर वार्ड के 80% सारे कांग्रेस माइंड के बंदे ने जी। इंशाला कांग्रेस शुरू तो ही जितती आई आ, हूँ भी जितूगी इंशाला, लेकिन साडा भाईचारा उदा ही है, बाद च असी किसी खिलाफ़ नहीं बोलते। कांग्रेस ने उरे काम भी हल्के च बहुत ज़्यादा कराए हुए ने। अज असी वार्ड नंबर 22 के कांग्रेसी वर्करां नाल गलबात करते हैं कि इतों का माहौल वोटरां दा किस तरह चलता है भाई जी। अपना नाम? मेरा नाम जी अब्दुल सतार है। माहौल बहुत वधिया चल रहा है, वधिया इतमान नाल वोटां पै रही ने, ते कांग्रेस बड़े ही प्यार नाल और एन वधिया वोटां पै रही ने। लोगों को की अपील करदे हो कि कहो जिहा माहौल अज रहना चाहिए? देखो जिस तरह अज माहौल वधिया है तो वधिया चल रहे हैं, लोग रल मिल के वोटा पा रहे हैं, इदा ही माहौल होना चाहिए, कोई लड़ाई नहीं, कोई पढ़ाई नहीं हैगी। जित तो बाद भी असं ये कहने भी जिहड़ी मर्जी पार्टी जित जाए, लेकिन इतम एकजुट हो के आप भाई बंदी वो करिए। अज असी कांग्रेस पार्टी के वर्करां कोले खड़े हैं जिते बूथ लगे हुआ है, असी चौधरी मुहम्मद बशीर जी नाल गलबात करते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है जी, एक तरफा मुकाबला मलेरकोटले च, अज सारे बूथां ते जाके देख लो, बहुत बड़ी लीड नाल मैडम रजिया सुल्ताना जी जितणगे। नहीं वोटरां नूं मैं यही कहना चाहुंदा तुहाडे जरिए कि अमन शांति नाल वोटां पाओ, कोई ऐसी गल नहीं भी सब कुछ ठीक ठाक है, तो कांग्रेस भी अलंबरदार है अमन ते शांति दी, सारे रल मिल के वोटा पाओ। इंशाल्लाह सब लोगों ने पूरे जोरों शोर नाल कांग्रेस पार्टी का साथ दिता, मैं उन्होंने बहुत धन्यवाद करना। मलेरकोटले अंदर जी लोग मन है वह बदलाव का मन लोगों का बढ़िया हुआ जी, लोगों ने कहते 20 साल देख लिया पुराने बंद, हम नवे बंद मौका दो ताकि शहर की बेहतरी होमन अमन के नाल वोटा पै रही हैं, लोग बढ़ चढ़ के वोटा पा रहे हैं। बाकी जिन्हें भी गल करो वह बदलाव ही चाहता है, मलेरकोटले जनता इस वेले बदलाव के मूड में है और उम्मीद है कि इस बार बदलाव होगा। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होगी, बड़े हुम्मो हमा के लोग अपने वोटा पा रहे हैं, सारे शहर के अंदर पिंडां के अंदर बूथां के अंदर बड़े ही चाव नाल नवी सरकार नूं चुन रहे हैं। नवी सरकार आ रही है तो वह कहते असी पिछलियां दो सरकारां दीआं दो पार्टियां उन्होंने बार बार अजमा लिया, हूँ नवी पार्टी नू आप नू वोटा पा रहे हैं, हुम हमा के जे चा नाल वोटा पा रहे हैं, क्योंकि जिहड़ी नवी सरकार आऊगी वह नवे जानी कि लोगों के काम करनगे, सहूलत देंगे। साडा वार्ड नंबर 21 है जी, वार्ड नंबर 21 है, इत्थे सारे धर्मां दे लोग आपस विच ही प्यार नाल जिवें अगे पहलां वोटा पाउंदे ने उवें वोटा पा रहे हैं। वार्ड नंबर 21 दे लोग ते बड़े ही चाह नाल शहर के अंदर वोटा पै रही ने, अमन चैन नाल ही वोटा पैनगियां।